हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑन द मुलिकन स्केल द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोन एज। तो अगर हम बात करें टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट हियर विल बी इट इज मुलिकन स्केल। इट इज मुलिकन स्केल। तो अगर हम बात करें मुलिकन स्केल की, सो मुलिकन स्केल इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इट ऑल्सो मेजर्स the tendency of an atom to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें मुलिकन स्केल की, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया गया था एंड इट ऑल्सो मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें मुलिकन स्केल की, तो मुलिकन स्केल ने एक रिलेशन यूज किया था, दैट इज XM इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय टू। दैट मीन्स इसने एवरेज यूज किया था ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो हियर XM इज व्हाट इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड IE इज व्हाट इट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी and EA is it is electron affinity। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इट इज ऑप्शन ए, दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज मुलिकन स्केल पे क्या था? इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।